हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो इन सारे पिक्चर्स को देखकर आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। समोसा एक ऐसी चीज है जिसे शायद ही कोई ना पसंद करता होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस समोसे की फिलिंग को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी हरी मिर्च की, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े लहसुन, थोड़े से अदरक और थोड़े प्याज की। उसके बाद हम लेंगे थोड़े से फ्रोज़न मटर और थोड़े से धनिया पत्ते या बहुत सारे धनिया पत्ते। उसके बाद थोड़ी मूंगफली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आलू। जी हाँ, समोसे में आलू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ थोड़े मसाले जैसे कि अजवाइन, गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और इन मसालों के साथ कुछ अपने नॉर्मल मसालों पे मिलाकर हम बनाएंगे समोसे की फिलिंग। समोसे की फिलिंग बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय हम उसका डो बना करके तैयार कर लें। तो डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा, और मैदे में 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने देसी घी डाले हैं मोइन के लिए। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे अजवाइन और अजवाइन को इस तरीके से हाथों में मसल कर उसमें डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मोइन करते समय आप अपनी दोनों हथेलियों को यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे से मोइन जो है वो पूरे आटे में फैल जाता है। और मोइन कैसे चेक करना है ये तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। अपने हाथ से ऐसे गोले बनाइए, अगर गोले बन जाते हैं इसका मतलब मोइन अच्छा बड़ा है। उसके बाद एक टाइट डो लगा करके हम तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इनिशियली थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को गूंदेंगे। याद रखिए कि समोसे की कोटिंग कुरकुरी हो उसके लिए उसके आटे का अच्छे से सेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कोर बनाने से पहले हम आटे को सान लेंगे ताकि 20 मिनट तक वो सेट हो, और उसी बीच हम जो है समोसे की फिलिंग बना करके तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए एज़ यूजुअल एक पैन में सरसों का तेल लें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हींग और जीरा डालें। मैंने यहाँ पे थोड़ी मिर्ची डाली है क्योंकि इसमें से थोड़ा सा कोर में पहले अपने बच्चों के लिए निकाल लूँगी और उसके बाद में इसमें मिर्ची डालूँगी। उसके बाद आप डालिए लहसुन, फिर डालिए थोड़ा सा अदरक। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए तब आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करें। जब आपका प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो आप उसमें डाल दें अपने फ्रोज़न मटर और थोड़ी देर उसको भुनें। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है तो आप नॉर्मल मटर को भी उबाल कर फिर यूज़ करें। उसके बाद आप डालें उसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद जो आपने चाट मसाला निकाला हुआ है वो डालें, थोड़ा सा गर्म मसाला डालें और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और इस पूरे मसाले को अच्छे से भुनें। ये मसाला जल ना जाए इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें और फिर इसको अच्छे से भुनें। बस जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाए तो फिर आपने जो आलू उबाले हैं उसको बहुत ज़्यादा मैश ना करें, बस ऐसे हल्के हाथों से एक बार दबा करके इसमें डालें और उस आलू को बहुत अच्छे तरीके से भुनें। आलू का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समोसे के कोर का टेस्टी होने के लिए। और समोसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समोसे का कोर। अगर कोर टेस्टी बनकर तैयार है तो बस आपका समोसा टेस्टी ही बनेगा। उसके बाद आप डालें उसमें जो आपने पीस भून कर रखे हैं वो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कोर निकाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची डाली है। बस उसके बाद थोड़ा सा और लाल मिर्च डालिए ताकि हमारे लिए वो चटक बन सके, थोड़ा सा मिर्च थोड़ी हो तो मज़ा आ जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद उसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से, और बस इसे थोड़ी देर के लिए निकाल करके ठंडा होने देंगे। तो हमारा कोर भी बनकर रेडी हो गया है और यहाँ हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो बस एक बार इस आटे को मसलेंगे और फिर इसकी लोइयाँ काटकर तैयार करेंगे। लोइयाँ काटने के लिए आप पूरी के साइज़ की लोइयाँ काटें और सारे आटे की लोइयाँ काटकर इस तरीके से रेडी कर लें। उसके बाद एक एक लोई लें और उस लोई को पूरी के आकार का बेल करके रेडी कर लें। उसके बाद एक चाकू लें और इस तरीके से उसे सेंटर से काट लें। तो एक लोई में से आपके 2 समोसे बनकर के तैयार होंगे।
इसी तरीके से हम सारी लोइयों को बेल कर और काट करके इस तरीके से रेडी करके रख लेंगे। तो बस एक एक कर कर हम इस तरीके से आटे को फोल्ड करेंगे और एक कोन बनाएंगे। कोन बनाते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि हर तरफ से ये सील हो जाए, और उसके बाद जो कोर हमने बना करके रखा है उसे इस पॉकेट में फिल इन करेंगे और फिर इस पॉकेट को सील करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको समोसे के पॉकेट को सील करना है। बस तीनों तरफ से इसको अच्छे से सील कर दें, एक बार बैठा कर चेक करें ताकि इसका बेस जो है वो एकदम बाजार के समोसे की तरह चौड़ा चौड़ा रहे। बस जैसे हमने एक समोसा गढ़ के रेडी किया है उसी तरीके से हम सारे समोसों को गढ़ कर रेडी कर लेंगे। जब तक कि आप अपना समोसा गढ़कर तैयार करें उसी दौरान आप एक गैस पर एक कढ़ाई में तेल डालकर भी रख दें, ताकि जब तक आपके समोसे आप गढ़े तब तक आपका तेल भी गर्म होके तैयार हो जाए। और जब आपके समोसे अच्छे से गढ़ जाए और तेल गर्म हो जाए तो उन सारे समोसों को एक एक करकर तेल में डालें और मीडियम गैस पे इन समोसों को तल कर तैयार करें। तो बार बार अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक आप इस समोसे को तलें। तो बस मेरा समोसा अब बनकर तैयार होने वाला है, तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मेरा समोसा बनने के बाद किस तरीके का लगता है। तो बनने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है मेरा समोसा। समोसा अपने घर में बनाइए और अपने परिवार के साथ खाइए। इस समोसे को सौंठ की खट्टी मीठी चटनी या फिर धनिए की चटनी के साथ टीम अप करिए, ये समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बाय।